तो अगर आपके भी घर में छोले बने हैं तो इस रेसिपी को जरूर से बनाना, बिल्कुल मिनटों में बन के रेडी हो जाएगी और खाने में तो इतनी टेस्टी लगती है, बहुत ही चटपटी और लाजवाब। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने पहले लिए हैं उबले हुए आलू और इनका हमने छिलका उतार लिया है। इसके बाद हमने इसको अच्छे से मैश कर लेना है। तो मैश कर लिया है हमने आलू को। आप आलू की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हो कि आप अपने हिसाब से, कि जितनी कम या ज़्यादा आप बनाना चाहते हो रेसिपी को। तो देखिए, इसके बाद हमने यहाँ पे आधा चम्मच जीरा डाला है, आधा चम्मच नमक डाला है, इसके बाद हमने हल्दी पाउडर डाला है और इसके बाद हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, आमचूर पाउडर डाल लेना है और यहाँ पर हमने डाला है चाट मसाला आधा छोटी चम्मच और इसके बाद हमने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डाल लेना है, जीरे का पाउडर डाल लेना है, ये भुने हुए जीरे का पाउडर है। इसके बाद हमने यहाँ पे कटोरी भर के प्याज डाल लेना है और इसके बाद हमने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच जो है हरी मिर्च डाल लेनी है, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो। तो देखिए, इन सब चीज़ों को अच्छे से मैश कर लेना है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें अच्छे से मैश हो चुकी है। इसके बाद हमने इसमें जो है कॉर्नफ्लोर डालना है, जिसको अरारोट भी बोलते हैं। तो देखिए, दो बड़े चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर डाला है, तो इनको अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद अब हम इसमें जो है इसकी शेप बना लेंगे। तो देखिए, इसको टिक्की की शेप का हमने बना लेना है। हाथों पे थोड़ा सा घी या ऑयल आपने लगा लेना है और फिर इसको जो है टिक्की की शेप दे देनी है। तो देखिए, ये हमने बना के रेडी कर लिया। तो सारी टिक्की हमने इसी तरह से बना के रेडी कर लेनी है। तो देखिए, इसको अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑयल को गरम कर लिया है और उसमें एक एक करके हम इस टिक्की को डालते जाएंगे। तो आपने पूरे स्पेस के साथ इसको डालते जाना है। तो कढ़ाई में एक बार में जितनी टिक्की आ जाए आप उतना डाल सकते हो और इसको अच्छा क्रिस्पी होने तक हमने फ्राई करना है। तो आपने इसको तब तक टच नहीं करना है जब तक ये एक साइड से अच्छे से फ्राई नहीं हो जाती। तो मैं आपको याद करवा दूं फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई रेसिपी जो है लाती रहूं। तो देखिए, मिनटों में बनके रेडी हो जाती है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं, एक साइड से ये फ्राई हो चुकी है, तो हम इसको पलट लेंगे। तो पलट के हम दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर लेंगे। तो आपने एक स्पून से इसको पलटना है हल्के हाथों से, ताकि इसकी शेप जो है वो बिगड़े नहीं। तो देखिए, सारी टिक्की को हमने पलट लिया है यहाँ पे और दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। एक साइड से कितना बढ़िया कलर आ गया है। तो टिक्की दोनों तरफ से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। तो इसको हमने प्लेट में निकाल लेना है। तो हमने सारी टिक्की को बना के रेडी कर लिया है। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक प्लेट में तीन टिक्की रखी हैं और इसको हल्का सा दबा देना है ऐसे हाथों से। और इसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल देना है। तो देखिए, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है ताकि चटपटा टेस्ट आए खाने में। आप चाहो तो इनको ऐसे भी खा सकते हो या फिर आप इसके ऊपर छोले डाल सकते हो। तो छोले मैंने पहले से बनाए हुए थे, तो दो चम्मच भर के इसके ऊपर छोले डाल देंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ पे टमाटो केचप डाल देना है। तो यहाँ पे एक बड़ा चम्मच भर के मैं टमाटो केचप डाल दूंगी। तो दही डाल देनी है आपने। आप चाहो तो, अगर मीठी दही खाना पसंद करते हो तो मीठी दही डाल सकते। मैंने इसके ऊपर नॉर्मल दही डाली है। इसके बाद हमने इसके ऊपर प्याज डाल देने हैं। तो बना के एक बार खा के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो थोड़ा सा हरा धनिया भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। सच में बहुत ही लाजवाब डिश बनी थी। तो इसको जो है बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और खाने में तो क्या लाजवाब। तो बाहर की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, तो एक बार घर पे बना के खा के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो है ना, ये बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी। तो अगर पसंद आए आपको रेसिपी तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।